हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गीता, आप सबका स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं चाइनी की छापड़ी। और ये बनाना एकदम सिंपल है। यहां पे हमने फ्रेंड्स एक कार्टून काट लिया, जो आप देख सकते हो। इसे काटना एकदम सिंपल है फ्रेंड्स। यहां पे हम बार बॉक्स वाली चाइनी आपको मैं दिखा रही हूँ, उसी की आज हम छापड़ी बनाने वाले हैं। और इसे बनाना एकदम सिंपल है फ्रेंड्स। तो ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो कर सकते हो, हमारे इंस्टा यूजर नेम है गीता333। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप पूरा देखेंगे तो आपको चाइनी की छापनी अच्छे से समझ में आएगी। Thank you.
ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी चाइनी की जो छापनी है वो बनकर तैयार हो चुकी है। और हमें एक बॉक्स से शुरुआत करनी है और जहाँ 6 बॉक्स होते हैं वहाँ से हमें ख़त्म करना है। आप गिन सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 बॉक्स ख़त्म हो जाने के बाद आपको एक बार की लास्ट बार की जो छापनी है वो आपको हाथों से बनानी पड़ेगी ताकि वो इस तरह से बन सके। और हमने जो एक कार्टून काट लिया था फ्रेंड्स, वो आपको 1 इंच 1 लीटर कम करना है, मतलब कि 0.25 इंच 1 इंच ज़्यादा। ये आप देख सकते हो, इतना आपको एक कार्टून काट लेना है ताकि जो हम छापनी बनाएंगे वो एकदम अच्छे से एक साइज़ की और अच्छे से बन पाएगी। तो हमने यहाँ पे कार्टून यूज़ किया है, तो आप भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन लास्ट बार में हमें इसे यूज़ नहीं करना, हाथों से बनाना, इस बात का खास ध्यान रखेंगे। यहाँ पे हमने 6 बॉक्स बनाए हैं, तो इसमें भी हमें 6 बॉक्स आप गिन सकते हो फ्रेंड्स, देखिए। और इसे बनाने के लिए आपको छोटी सी स्टेप फॉलो कर सकते हैं, तो ये आप जल्दी से सीख जाएंगे। तो इसके लिए हमने दाड़म के ऊपर ऑलरेडी 3 वीडियो बना चुके हैं। इससे पहले भी एक छोटा दाड़म का वीडियो बनाया था, उसके बाद ये उससे भी बड़ा दाड़म का वीडियो बनाया है। ये दाड़म जो है आपको आता होगा, इसकी छापनी और इसकी छापनी दोनों सेम ही है फ्रेंड्स, और ये उससे भी बड़ा दाड़म है, तो ये भी आपको बनाना आता होगा इसकी छापनी, तो आप ये तुरंत बना सकते हो, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ लोग इसे चाइनी बोलते हैं और कुछ लोग आज भी इसे चौकड़ा, बड़ा चौकड़ा के नाम से जाने जाती है, लेकिन इसे चाइनी बोलते हैं। और ये डिज़ाइन बनाना बहुत आसान है, सिंपल है, क्योंकि इसमें भी कुछ खास बातें ध्यान रखने वाली है नहीं, वही बातें ध्यान रखने वाली जो हम चौकड़ा बनाते हैं या फिर दाड़म बनाए ध्यान रखते हैं। और फ्रेंड्स, ये छापनी है, आप देख सकते हो, इसे भी बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी है। आप गिन के पास से बनाइए, और पहली बार जब आप कपड़े पे बना रहे हो तो एक बार आप रफ़ कर ले, उसके बाद आप कपड़े पे बनाएं ताकि कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पे हमने कपड़े पे नहीं बनाए हुए, क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो अच्छे से हम आपको दिखा नहीं सकते, इसीलिए हमने कपड़े पे नहीं बनाए और कागज़ यूज़ कर रहे हैं। तो आप फ्रेंड्स एक बार इस तरह का कार्टून बना लिए, रफ़ कर लीजिए एक बार अच्छे से, आपको दिमाग में बैठ जाए, उसके बाद आप कपड़े पे बनाइए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमें इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो कर सकते हो, हमारे इंस्टा यूज़र नेम है गीता 333।